अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुश आमदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन का चैप्टर चल रहा था, और आज के लेक्चर के अंदर हम प्रॉब्लम 10 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बीकॉम पार्ट 1 या एडीसी पार्ट 1 2006 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7 पास पेपर से लिया गया है। इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि आपने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को यूज़ करते हुए मशीन को कैसे डेप्रिशिएट करना है, और उसके बाद उसको जब हम एक्सचेंज करेंगे तो गेन और लॉस कैसे कंप्यूट होगा, उसके ऊपर जो एक्सचेंज करते वक्त एडिशनल कैश आप पे करेंगे वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, और उसके बाद डेप्रिसिएशन और गेन और लॉस की एंट्रीज़ किस तरीके से रिकॉर्ड की जाएंगी अगर प्रॉफिट या लॉस रिकॉग्नाइज नहीं होगा, और उसका क्या कॉन्सेप्ट होगा। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहा है, ऑन January 1, 2001 साल के शुरू में आसिम कंपनी परचेज द मशीन, मशीन खरीदी फॉर ₹1,35,000 की, ये आपके पास हो गई कॉस्ट। इट्स लाइफ वॉज एस्टिमेटेड टू बी 5 ईयर, यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है, विद स्क्रैप वैल्यू यानी कि रेजिजुअल वैल्यू या सेल्विज वैल्यू 10,000 है। यूजफुल लाइफ के बाद जब आप इसको बेचेंगे तो इतने की उम्मीद है कि आपको मिल जाएंगे। द कंपनी यूजेज 40% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड 40% यूज़ करके ये अपने एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे। द अकाउंटिंग ईयर जो है वो ख़त्म हो रहा है December 31st ईच ईयर, यानी कि पूरा साल 2001 में खरीदी थी। ऑन June 30, 2004 2001, 2002, 2003 ठीक है जी, 3 तक इस्तेमाल किया, 3 साल पूरे, और आधा साल 2004 का इस्तेमाल करके द ओल्ड मशीन जो आपने ख़रीदी थी 2001 में वॉज ट्रेडेड इन विद न्यू मशीन, आपने पुरानी मशीन देकर एक न्यू मशीन ले ली जिसकी कीमत कितनी थी 2,00,000 रुपये की थी। द ट्रेड इन अलाउंस वॉज एग्रीड एट ₹75,000, यानी कि ट्रेड इन अलाउंस से मुराद क्या है कि जिस बंदे से आपने मशीन एक्सचेंज की उसने कहा कि भाई पुरानी मशीन के बदले में आपको ₹75,000 मिलेंगे, यानी कि मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँ कि सेलिंग प्राइस ऑफ द ओल्ड मशीन क्या है, 75,000 है। अब जबकि न्यू मशीन की कीमत ज़्यादा है 2,00,000, तो आपको एडिशनल कैश देना पड़ेगा, एंड द बैलेंस वॉज पेड इन कैश, जो कि हमें निकालना होगा, कभी कभी सवाल में गिवन भी होता है, ठीक है जी। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन मशीन, मशीन के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है रिक्वायर्ड के मुताबिक, पहले 2001 का, 2002, 2003 एंड 6 मंथ ऑफ June 30, 2004 तक का। फिर आप कैलकुलेट करेंगे गेन और लॉस ऑन एक्सचेंज, के एक्सचेंज करते वक्त आपको गेन हुआ या लॉस हुआ। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड इन एक्सचेंज ऑन कैश, ठीक है ना, ये जो बैलेंस उसने कहा था कि न्यू मशीन के ऊपर पे करेंगे कैश का, वो आपने कैलकुलेट करना है। पार्ट 4 के मुताबिक गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, पहले 3 साल का भी और आधे साल का यानी कि 2004 का एक्सचेंज ऑफ मशीन भी आपने रिकॉर्ड करनी है, और नीचे आपको लिख कर दे रहे गेन और लॉस जो भी होगा एक्सचेंज के ऊपर इज़ नॉट टू बी रिकॉग्नाइज इन द एंट्री फॉर एक्सचेंज। जब आप एक्सचेंज की एंट्री बनाएंगे तो उसमें अगर गेन या लॉस जो भी हुआ होगा कैलकुलेशन के बाद हमें पता लगेगा, उसको आपने शो नहीं करवाना है। तो लॉस होगा क्या करेंगे, गेन होगा क्या करेंगे, ये कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना पड़ेगा 3.5 साल का, तो सॉल्यूशन में आ जाते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन बाय यूजिंग डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो आपको पता है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर बुक वैल्यू के ऊपर हमेशा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। तो कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी थी, 1,35,000, पहले साल पूरा साल इस्तेमाल हुई तो 40%, 1,35,000 का कितना हुआ, 54,000। आपने 135 में से ये डेप्रिसिएशन पहले साल का माइनस किया तो बुक वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, 81,000 रुपीज़ की, ओके जी। दूसरे साल आपने इस 81 पे यानी कि बुक वैल्यू 81,000 है, इस पर पूरा साल इस्तेमाल की, 40% डेप्रिसिएशन निकाला तो ये आया 32,400। तो 81,000 में से ये माइनस किया, अब आपकी बुक वैल्यू तीसरे साल के लिए 48,600 आ गई, ठीक है जी। तो तीसरे साल भी पूरा साल इस्तेमाल की, 48,600 का 40% निकाला तो 19,440 आपका डेप्रिसिएशन आ गया। माइनस किया इसमें से तो आपकी बुक वैल्यू फोर्थ ईयर के लिए आ गई 29,160, ठीक है जी। अब चौथे साल में आधा साल इस्तेमाल हो रही है, ये डबल लिख दिया गया है, इसको मैं एक बार यूँ कट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ हो, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं।
29,160 का 40% निकाला, लेकिन मशीन इस्तेमाल हुई है आधा साल, तो 6/12, तो आपके पास ये आधे साल का डेप्रिसिएशन आया 5,832। इसको आपने माइनस किया पिछली बुक वैल्यू से, तो आपके पास फाइनल बुक वैल्यू आ गई 23,328। तो यहाँ तक का काम आपको समझ में आ गया होगा कि हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन निकाला। सेकंड पार्ट में उसने कहा कि आप गेन और लॉस कंप्यूट करके बताइए। तो गेन और लॉस कैसे कंप्यूट करते हैं, कॉस्ट ऑफ मशीन ओल्ड 1,35,000 है, उसमें से आपने 3.5 साल का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस करवाने, 54,000 प्लस 32,400 प्लस 19,440 प्लस 5,832, तो टोटल अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन विल बी 1,11,672। माइनस किया तो 23,328, वही आंसर आ रहा है। डिमिनिशिंग की खासियत ही यही है कि वो आपको आंसर निकाल के दे देता है। ट्रेड इन अलाउंस यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ द ओल्ड मशीन आपके पास जो थी वो कितनी थी, 75,000 की थी, उसमें से आप बुक वैल्यू माइनस करवा लें तो गेन ऑन एक्सचेंज आपके पास 51,672 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका बुक वैल्यू की कम थी और ट्रेड इन अलाउंस यानी कि सेलिंग प्राइस एक्सचेंज करते वक्त अगले बंदे ने आपको ज़्यादा ऑफर किए 75,000, जिसकी वजह से आपको 51,672 रुपीज़ का गेन हो गया। तीसरे पार्ट में उसने आपको कहा कि आप बैलेंस कितना पे करेंगे, एडिशनल कैश कितना पे करेंगे, तो उसका फॉर्मूला आपके पास ये होता है कि जो आपका कंप्यूटर है या जो आपकी मशीन है उसमें से आप ट्रेड इन अलाउंस ओल्ड मशीन का माइनस करवा देंगे। कॉस्ट जो न्यू मशीन की थी या कंप्यूटर की थी वो 200,000 थी, ट्रेड इन अलाउंस माइनस किया तो बैलेंस 1,25,000 कैश आप एडिशनल पे करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर एक एडिशनल कंप्यूटेशन की हुई है, अगर आप नहीं भी करते तो कोई मसले वाली बात नहीं है। मशीन ओल्ड कितने की थी, 1,35,000। ये बेसिकली कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन विदाउट रिकॉग्नाइजिंग गेन और लॉस के बगैर, ठीक है ना, वो तो मैं आपको एंट्री के अंदर भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। पर पिछला ही वो काम है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 1,11,672 था, माइनस करवाया तो बुक वैल्यू कितनी आ गई, 23,328। आपने बैलेंस कैश कितना पे किया, 125,000 का, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर एक तरीके से कितने की आ गई, 1,48,328, यानी कि ये आपको इतने का पड़ा। ठीक है, उसके बाद फाइनली आपने, नॉर्मली बच्चे ये वाली कंप्यूटेशन करते नहीं हैं तो ना करें तो कोई मसले वाली बात नहीं है, डायरेक्ट एंट्री आप बना लें तो उसमें भी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद उसने कहा कि आपने एंट्रीज बनानी है डेप्रिसिएशन की, तो पहले साल की एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 54,000 से, और इसी को क्लोज करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से डेबिट नेचर है, क्लोज होगा क्रेडिट हो जाएगा, इनकम समरी डेबिट हो जाएगा, तो ये आपकी पहली क्लोजिंग। इसी तरीके से दूसरे साल की एडजस्टिंग एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 32,400 से, और उसी को क्लोज करेंगे, इनकम समरी डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट 32,400 से, तीसरे साल का डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 19,440, और इसको क्लोज कर देंगे तो इनकम समरी डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट 19,440 आपके पास आ जाएगा, तो ये एंट्री भी बन जाएगी। फिर तीसरा चौथा जो आधा साल था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 5,832, इसको क्लोज करेंगे तो 5,832 आपके पास ये क्लोजिंग हो जाएगा इनकम समरी डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट से। ओके जी। उसके बाद जो आप फाइनल एंट्री बनाएंगे उसमें मशीन न्यू आपके पास आ जाएगी, डेबिट हो जाएगी 148,328 से, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो आपने क्लोज किया था वो भी डेबिट हो जाएगा, ओल्ड मशीन आपकी जा रही है वो क्रेडिट, और कैश आपका चला जाएगा 1,25,000 से। ये एक उस कंप्यूटेशन के मुताबिक एंट्री है। मैं आपको दूसरे कॉन्सेप्ट से भी इसकी एंट्री बनाना बताता हूँ कि आपने दूसरे कॉन्सेप्ट से इसकी एंट्री किस तरीके से बनानी है अगर आप ये कंप्यूटेशन नहीं करते तो। आप इसकी एंट्री इस तरीके से भी बना सकते हैं कि जो मशीन है ना न्यू वाली, ठीक है ना, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, मशीन और ब्रैकेट में एन, न्यू वाली मशीन कितने की थी सर, उसकी कीमत थी 2,00,000 रुपये ना, ठीक है जी, तो 2,00,000 रुपये उसकी कॉस्ट थी, उसको आप कर देंगे डेबिट, ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एज इट इज डेबिट आ जाएगा 1,11,672 से,
ठीक है जी, ये डेबिट हो गया। ओके, ओल्ड मशीन इसी अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगी और कैश आपने 125,000 दिया, क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन ये बराबर नहीं होगा। उसने कहा था कि गेन या लॉस आपने रिकग्नाइज नहीं करना है। यहाँ पर आप मेरी बात गौर से सुनिएगा कि आपने गेन और लॉस को रिकग्नाइज नहीं करना। आपको हुआ गेन, आपको हुआ गेन। गेन कहाँ शो होता है? सर गेन शो होता है क्रेडिट साइड पर। जब शो नहीं कराएंगे तो क्रेडिट साइड तो कम पड़ जाएगी। तो आप क्या करते हैं, गेन को ये ऊपर कॉस्ट से माइनस करवा देते हैं, ठीक है ना। 2 लाख से ये जो आपका गेन हुआ था, एक मिनट मैं वापस ऊपर चलता हूँ, आपका जो गेन हुआ था 51,672 का, इसको आप क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे 2 लाख में से। आप जब माइनस करवाएंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा ना, इसको मैं कंप्यूट करके आपको दिखा देता हूँ और एंट्री बैलेंस करके भी बता देता हूँ कि आप किस तरीके से करेंगे कि 2 लाख आपका डेबिट साइड पे कॉस्ट थी, ठीक है ना, उसमें से आपने कितना माइनस किया, वो गेन माइनस करने, वो गेन मैं दोबारा से देख लेता हूँ, 51,672 माइनस किया तो आपके पास कॉस्ट क्या आ रही होगी, 148,322, ठीक है ना, 148,328 ये आपके पास अमाउंट आ रही होगी, ठीक है ना, जब आपने उसको शो नहीं करवाना। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है ताकि वो बराबर आ जाए, वो कंप्यूटेशन शो करवाए बगैर जो आपको मैंने ऊपर बताई है, ठीक है ना। यानी कि ये न्यू मशीन है, यहाँ पर आप 2 लाख जो इसकी कॉस्ट थी उसमें से आप क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे जो आपके पास था 51,672 का गेन, ठीक है जी। तो आप माइनस करवाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 148,328, क्योंकि गेन क्रेडिट साइड है, शो नहीं करवाना, मैं उसको वहाँ से उठा देता हूँ। अब जब मैं उसको वहाँ से निकाल देता हूँ तो क्रेडिट साइड तो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी गेन होगा तो वो आप न्यू मशीन से लेस करवाते हैं, और अगर लॉस हो जाए तो लॉस तो डेबिट होता है, उसको मैं उठा दूंगा, यहाँ से हटा दूंगा तो डेबिट साइड तो कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो लॉस होगा ना एक्सचेंज करते वक्त या डिस्पोजल करते वक्त, तो उसको आप न्यू में क्या करवाते हैं, ऐड करवाते हैं, ठीक है जी। तो आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी आपको किसी किस्म की परेशानी या कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।